फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही कम दामों में मोबाइल चार्जर से एलईडी लाइट बनाना बताऊंगा। इसके पहले भी मैं दो वीडियो डाल चुका हूँ इसके बारे में। ये मेरा तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स। ये 4 वोल्ट की एलईडी है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर शॉप में मिल जाएगी फ्रेंड्स। इसमें ये चूंकि ये डीसी कंपोनेंट है, इसमें आप पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा। इसमें एक साइड में पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड में निगेटिव लिखा होता है। जिस साइड पॉजिटिव होगा उसको आप मोबाइल चार्जर की पॉजिटिव सप्लाई से जोड़िएगा, और जिस तरफ निगेटिव होगा उसको निगेटिव टर्मिनल पर जोड़िएगा फ्रेंड्स। इसमें किसी कोई भी शोल्डिंग आयरन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास शोल्डिंग आयरन नहीं होती है। तो मैं इसको बिना शोल्डिंग आयरन के ही बनाना बताऊंगा। इसमें ये मैंने छोटे छोटे दो चार तार लिए हैं, दो ब्लैक कलर के लिए हैं और दो ब्राउन कलर के हैं फ्रेंड्स। मैं ब्लैक वायर को निगेटिव टर्मिनल पे जोड़ूंगा और ब्राउन वायर को पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ूंगा फ्रेंड्स। ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, मैं इस पर जोड़ता हूँ इसको निगेटिव। ये इसमें एक छोटा सा होल है, मैं इस वायर को इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। ये इंसर्ट करके इधर से मोड़ देता हूँ और इसको यूँ इस तरह से ट्विस्ट कर देना है फ्रेंड्स। तो ये आप ट्विस्ट कर देंगे तो शोल्डिंग आयरन के, अगर आपके पास शोल्डिंग आयरन हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक शोल्डिंग आयरन से आप ऊपर से शोल्डिंग आयरन से एक टाका लगा दीजिएगा। यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दीजिएगा, जहाँ जहाँ तार मैं जोड़ूँगा। और फ्रेंड्स ये ब्राउन वायर है, इसको मैं फ्रेंड्स इधर, ये चूँकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर जोड़ देता हूँ। ये फ्रेंड्स मैं यहाँ जोड़ देता हूँ इस तरह से। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, इसमें छोटा सा होल था उसको इंसर्ट कर दिया, और मैं यहाँ पर इस तरह से घुमा देता हूँ, इसको ट्विस्ट कर देता हूँ। ये फ्रेंड्स मेरा जुड़ गया। ये मेरे पास दो दो हैं, दो एलईडी हैं फ्रेंड्स से 0.4, ये 4 वोल्ट की ये दो हैं। ये मैं दोनों को कनेक्ट करूँगा, दोनों के पॉजिटिव को पॉजिटिव, ये दोनों ब्राउन वायर को आपस में जोड़ूंगा और ये दोनों ब्लैक को आपस में जोड़ूंगा फ्रेंड्स। और ये मेरा मोबाइल चार्जर था, स्पेयर मोबाइल चार्जर था। ये 4-5 वोल्ट का, लगभग 5 वोल्ट के सारे मोबाइल चार्जर होते हैं। ये 500 मिली एम्पियर का है फ्रेंड्स। अगर आपका 1 एम्पियर का है तो भी ठीक है, लेकिन 500 मिली एम्पियर के नीचे मत यूज़ करिएगा। ये 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर जो भी आपके पास हो वैसे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1000 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर, दोनों एक ही बात होती है फ्रेंड्स। ये इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपका सर्किट ग्लो ना करे, तो आप इसमें इसको चेंज कर दीजिएगा। तार जिधर पॉजिटिव लगाया है उधर नेगेटिव कर दीजिएगा, और जिधर नेगेटिव किया है उधर से पॉजिटिव कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चूंकि मुझे मालूम है इसमें 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 ये एक ये दोनों ब्लैक वायर हैं, लेकिन इस पर वाइट रंग की स्ट्रिप बनी हुई है, एक पतली लाइन बनी हुई है जो इसको शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है फ्रेंड्स। अब आपको आप इस इन एलईडीज़ को आप चाहे, अगर आपके पास फेवी क्विक है तो फेवी क्विक से यहाँ पर आप फेवी क्विक लगा के यहाँ पर आप चिपका सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सेलो टेप है, मैं इससे चिपका के आपको दिखाऊंगा कि आप इससे इस्तेमाल करें कर सकते हैं। तो इसमें आपका कम कम खर्च में ही बन जाएगा। आपको ग्लूगन नहीं लेना है, ग्लूगन भी 600-700 रुपये की मिलती है, आपका बिला वजह पैसा वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप सेलो टेप से चिपका दीजिए। सेलो टेप ट्रांसपेरेंट भी होता है और देखने में भी अच्छा लगेगा। आप अगर इलेक्ट्रिकल टेप इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स वो ब्लैक या रेड या किसी कलर का होगा, वो देखने में कम अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये मैं इसको लगा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने दोनों ये एलईडीज़ दोनों एलईडीज़ को लगा दिया है। ये मेरा लग गया, दोनों एलईडी लग गई हैं फ्रेंड्स। अब ये दोनों मेरे मैं दोनों ब्राउन वायर को आपस में ट्विस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको ब्राउन वायर को आपस में ट्विस्ट कर दिया, और इधर ब्लैक वायर है, दोनों मैं ब्लैक वायर को ट्विस्ट कर देता हूँ आपस में। ये मैंने ब्लैक वायर को आपस में ट्विस्ट कर दिया फ्रेंड्स। अब इसमें ये मेरा चार्जर का, मोबाइल चार्जर का आउटपुट है फ्रेंड्स। तो मैं इसको कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा ये फ्रेंड्स ये पॉजिटिव है, तो मैं ये पॉजिटिव इधर वाला पॉजिटिव है, तो मैं इसको ब्राउन से कनेक्ट करूँगा। ये मैं ब्राउन से कनेक्ट कर देता हूँ, और ये इधर इधर ये निगेटिव टर्मिनल है, इसको मैं ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, इधर के ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा फ्रेंड्स सर्किट तैयार हो गया। इसको इसको आप टेप से
आप चिपका दीजिएगा। देखिए मैं टेप से चिपका के आपको दिखा देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। ये चिपका दिया मैंने। फ्रेंड्स ये मेरा सर्किट तैयार हो गया। आप चाहें तो और टेप लगा सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स मैं अब इस सर्किट को चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये आप सर्किट को चेक करके दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा जलने लगा। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ये ऑफ़ हो गया। फिर वापस ऑन करता हूँ, ये देखिए मेरा जलने लगा। इस तरह से आप अपने स्पेयर मोबाइल चार्जर से एलईडी लाइट आप बना लेंगे। आप कहीं भी इसको कहीं जहाँ चाहें निकालें, आप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे कमरे में किसी भी रूम में लगा सकते हैं, एक रूम से दूसरे रूम जहाँ चाहें आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसको सिर्फ किसी भी सॉकेट में, एसी सॉकेट में आपको इंसर्ट कर देना है और इसको ऑन कर देना है।